जनता के बीच में हुई परिवहन मंत्री की गुड मॉर्निंग। जहां सुबह 7 बजे वार्ड संख्या 47 में विकास कार्यों का जायजा लेने परिवहन मंत्री खुद पहुंचे, ये तस्वीरें आपके सामने। नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर सहित अधिकारियों के साथ वार्ड में घूमकर उन्होंने जायजा लिया विकास कार्यों का कि धरातल पर आखिर कितना विकास हुआ है। उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे और मेयर मुनेश गुर्जर भी मौजूद रही। बारिश से पहले सभी जरूरी इंतजाम करने को लेकर अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। लोगों से भी खाचरियावास ने जानकारी ली कि आखिर उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, वार्ड में कौन सा काम लोग करवाना चाहते हैं। सुबह सुबह मंत्री को अपने बीच देखकर लोग एकदम से सरप्राइज हो गए। खाचरियावास का खुद का वार्ड संख्या 47 है। इस वार्ड में खाचरियावास का घर और वार्ड भी आता है और ऐसे में वो यहाँ पहुंचे लोगों के बीच ये जानने के लिए आखिर समस्याएं क्या है। सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, समय समय पर परिवहन मंत्री ऐसा करते रहते हैं और आज तो उनकी गुड मॉर्निंग ही आम जनता के बीच हुई, सुबह सुबह धरातल पर देखने पहुंचे कि आखिर विकास कितना हुआ है। जाहिर तौर पर ज्योति, इस तरह के जो दृश्य है वो कम देखने को मिलते हैं क्योंकि परिवहन मंत्री जो है उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता है। आज भी वो रोडवेज की एक बड़ी मीटिंग लेने वाले हैं सचिवालय में, लेकिन किस तरीके से अपने व्यस्त शेड्यूल से जनता के लिए समय निकाला जाता है ये उन्होंने पहले भी दिखाया है। और आज भी सुबह 7 बजे जब लोगों का उठने का समय होता है अधिकतर लोगों का, तब वो वार्ड में पहुंच गए, वार्ड नंबर 47 में। उनके साथ नगर निगम की जो मेयर है मुनेश गुर्जर वो भी थी, हेरिटेज निगम के अधिकारी भी थे और भी जो संबंधित अधिकारी हैं विकास कार्यों से जुड़े हुए सारे लोग थे। फोकस यही रहा प्रताप सिंह का कि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश आने वाली है और हम देखते हैं अक्सर कि बारिश में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जल भराव की दिक्कत आती है, नाले नाली ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो उन्होंने एक एक गली में घूमे हैं वो जो अधिकारी उनके साथ और लोगों से भी बातचीत की है, जो बार 47 में लोग रहते हैं उनसे उन्होंने पूछा है कि बारिश को देखते हुए क्या काम होने चाहिए, पिछले ऐसे कौन से काम है जो लोगों ने बता रखे थे लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, अगर वो चल रहे हैं तो क्या उनमें सुधार हो सकता है। तो उनकी गुड मॉर्निंग वार्ड में हुई है और एक अच्छी तस्वीर है कि जो नेता है वो सुबह सुबह अपने वार्ड में गए हैं, लोगों से मिले हैं, अधिकारी उनके साथ रहे हैं और उनका काफी बिजी शेड्यूल है। आज भी वो मीटिंग लेने वाले हैं रोडवेज की, लेकिन उन्होंने सुबह का समय चुना जब वो बाढ़ में पहुंचे, लोगों से उन्होंने मुलाकात की और जैसा मैंने कहा कि फोकस उनका यही रहा है कि बारिश का मौसम आने वाला है तो किसी तरह की परेशानी लोगों को बारिश के मौसम में ना हो, इसके संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निश्चित तौर पर बारिश के मौसम से पहले तमाम तैयारियां कर लेना बेहद जरूरी है, लेकिन जब वो लोगों के बीच पहुंचे लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या किसी ने अपनी समस्या भी उनके सामने रखी कि वार्ड में हम ये विकास चाहते हैं? पर लोगों का रिएक्शन अच्छा था ज्योति, लोग चाहते हैं कि जिन्हें वो वोट देते हैं, वोट देकर जिनको वो विधायक और पार्षद बनाते हैं वो लोग लोगों के बीच में आने चाहिए। और जब लोगों के बीच में कोई विधायक मंत्री या पार्षद पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर लोगों को अच्छा लगता है, अपनी परेशानी वो बताते हैं। और जब मैंने कहा कि सुबह सुबह जैसे वो पहुंचे हैं, ऐसा समय होता है जब सुबह लोग उठते हैं, सुबह सुबह ही लोगों के घर घर जाकर उन्होंने पूछा है कि आपकी परेशानी बताइए और ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बारिश का मौसम आने वाला है तो बारिश के मौसम में जल भराव की दिक्कत नहीं हो, सड़कें कौन सी हैं जो अभी कुछ दिनों में बन सकती है क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो सड़कों का काम नहीं चलता है। और खुद का बाढ़ है क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास का उनका घर और वोट भी बाढ़ 47 में आता है तो उनको बहुत अच्छे से जानकारी भी है कि मेरे बाढ़ में किस तरीके के विकास कार्य मुझे कराने हैं। तो उन्होंने अधिकारियों को भी बातचीत की है, पहले से जो काम बाढ़ 47 में चल रहे हैं उनकी उन्होंने समीक्षा की है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ज्योति वो दो घंटे अभी कुछ देर पहले ही उनका जो दौरा है बाढ़ 47 का वो पूरा हुआ है, 2 घंटे तक वो घूमे हैं वार्ड में, लोगों से बातचीत की है और लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, लोगों ने अपनी परेशानियां बताई हैं और उम्मीद की है कि क्योंकि परिवहन मंत्री ने खुद दौरा किया है तो बहुत जल्दी बाढ़ 47 की जो समस्या है वो समाधान में होगा। जी शिवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।